से बात। अभी जो रजनी मुर्मू का प्रकरण चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है और काफ़ी तहलका मचा हुआ है सोशल मीडिया में। तो ये जो उनका टिप्पणी है, रजनी मुर्मू का कहना है कि सोहराय के वक्त में जबरन वहाँ लड़कियों को नाचते गाते बाहर, फिर लड़के सब बाहर उठा के ले जाते हैं, झाड़ी तरफ उठा के ले जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में भी वहाँ एक कमेटी बननी चाहिए, जो कि वहाँ बहुत सारे हम देखते भी हैं। हम इसको भले आदिवासी समाज इसको उस रूप में अभी या जो उस तरह के जो अहंग मानसिकता जो उनके पुरुषों के मानसिकता को अहंग से उनका टकरा रहा है, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं हम और आप तो समाज के लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं। तो एक शिक्षण संस्थान में इस तरह का खुलेआम इस तरह का व्यवस्था होना, तो उसमें यदि कमेटी हमारी बनती है तो कम से कम जो दारू पी के लोग लड़का लोग सगाई करते हैं, ये फिर हम इसका विरोध भी करते हैं। हम जानते हैं हमारे कहने का मतलब कि बाद में हमें भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थान की ओर से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी देखरेख में होनी चाहिए। हालांकि हम कितना कमेटी पर निर्भर कर सकते हैं, वो तो हम पर निर्भर है ना। जो वहाँ जो आयोजक समिति है, आयोजन जो करते हैं, उनको इस पर पूरी चेतावनी होनी चाहिए कि यहाँ पर इस तरह शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना, इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। एक शिक्षण संस्था है, वहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। और सोहराय में जो इस तरह का रजनी मुर्मू पोस्ट करती है, इस पर हम कहीं कहीं ये अवगत भी हैं और या फिर हमारे साथ या हमारे महिलाओं के साथ में इस तरह की घटना घटती है। भले आज लड़कियाँ उस चीज़ को नहीं कबूल कर पा रहे समाज के सामने, क्योंकि उनका भी अपना एक इमेज है, अपना एक इज्जत है। यदि हम इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर सहमति भरते हैं तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर उठ खड़ी होती है। तो यह विवादास्पद चीज़ें हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इस तरह के चीज़ों को हम आए दिन देख रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को दूसरे लोग देखते हैं और बोलते हैं या करते हैं तो उसके लिए सब माफ, और हमारी औरतें यदि इस पर अपना आवाज़ उठाते हैं तो औरत का तो क्या अस्तित्व रहता है हमारे समाज में, वो जान ही रहे हैं। वो पुरुषों के अंडर में रहना है, उसकी अपनी स्वतंत्रता छीनी जाती है। तो क्या हम ये कहना चाहेंगे, क्या हम अपनी बातों को भी रख नहीं सकते हैं? जो चीज़ें हमारे सामने यदि घटित भी होती है तो हम क्या इस पर सजग होकर अपनी चीज़ों को नहीं उठा सकते हैं? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको है, तब इसके चलते हम लोगों को या औरत है बोल करके हम उसको दबाएंगे तो ऐसी बात नहीं है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि इस तरह का यदि जब भी आयोजन होता है तो कम से कम इस पर कमेटी का अच्छी से गठन होनी चाहिए और सचेत रहे कि इस तरह की घटना आए दिन ना हो, जिससे लोगों को उंगली उठाने में सहयोग मिले। तो हम क्यों नहीं अपनी मान मर्यादा को बनाते हुए इस तरह का आयोजन का गठन होना चाहिए। यदि हम देखते हैं वहाँ पब्लिक प्लेस जैसे बातें हो जाती है, कोई भी आकर के हम किसको मना करेंगे? दारू ताड़ी पीकर भी लोग आते हैं सोहराय में, तो कम से कम इस चीज़ को वर्जित करना चाहिए, हमारा ये कहना है। और जैसे बिटलाहा की बात होती है, बिटलाहा का भी बात हुई है कि इसको बिटलाहा कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है और बिटलाहा अभी नहीं होना चाहिए। एक औरत के लिए यदि औरत बात उठाती है तो आप उसको बिटलाहा कर देते हैं। यदि पुरुष वहाँ 10 शादियाँ करते हैं तो उसको क्या कीजिएगा आप? ये भी तो बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की जो उस तरह की मानसिकता है, वैसे लोगों से पनपा हुआ ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे औरत है तो उनका भी अपना एक हक है, अधिकार है। अधिकार जो प्राप्त है उसका यहाँ हनन होता है, औरत पर ही उंगली उठाई जाती है। इसलिए हम अपील करेंगे कि हमारे जो शिक्षण संस्थान के कमेटी हैं उसको भी इस चीज़ को ध्यान में रख करके आयोजन का आयोजन करनी चाहिए और वहाँ सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। हाँ, खुशी से जो होता है तो वो अलग बात है, खुशी की बात पर हम उस पर कुछ बात नहीं करना चाहिए। जहाँ बिना खुशी की बात होती है आप ज़बरदस्ती वहाँ यदि करते हैं तो ये गलत बात है। हम कहाँ बोलते हैं कि प्यार करना गलत है? हर चीज़ में होता है, मानव है, उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को अलग तरह से देखिएगा, नज़रिया आपका अलग होगा, तो ये गलत है। आयोजन मंडली का कहना है
कि इससे एक संस्थान बदनाम हो रहा है, ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटी है। हम कहाँ कहते हैं कि उसी संस्थान में सोराय के समय ही वैसा घटना घटती है या घटी है, हम इसका दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम नहीं देखे हैं। लेकिन हम जैसे सोराय में जाते हैं, देखते हैं वहाँ लोग किस तरह से सोगोई करते हैं, सट के सोगोई करते हैं, ये तो आप लोग भी देखे होंगे और कोई भी पत्रकार तो अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ देखते हैं जाते हैं किस तरह से करते होंगे। तो इस तरह विवाद उसी को लेकर के है कि ठीक है ये मामला होता है, लेकिन स्पेशली किसी संस्थान के ऊपर उंगली उठाना और किसी से वो जो वहाँ जबकि मंत्री मुख्यमंत्री तक लोग शिरकत करते हैं उस कार्यक्रम में, तो ये कहाँ तक जायज है? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री सब वहाँ शिरकत करते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री कितनी देर तक शिरकत करते हैं, वो इस चीज़ों को गाइड कर पाते हैं नहीं ना कर पाते हैं। तो हम कमेटी पर ही ये कहेंगे कि कमेटी उस तरह का गठन होना चाहिए जो इस सब चीज़ों को ध्यान दे। अगर वैसा घटना घटित होती है तो पहले ही हम आयोजन कमेटी को उसके रूल्स के बारे में बता देना चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।